कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन करना चोरी पाप है। जैन डिजिटल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन। लोग आकाश द्रव्य के मध्य में लोकाकाश है। लोकाकाश के तीन भाग है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। संपूर्ण लोक की ऊंचाई 14 राजु प्रमाण है। उनमें से अधोलोक की ऊंचाई 7 राजु और ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई 7 राजु है। इनमें से 140 योजन प्रमाण वाला सुमेरु पर्वत है और उतनी ही मध्यलोक की ऊंचाई है। अब पूर्व पश्चिम अपेक्षा से लोक का प्रमाण कहते हैं। ऊर्ध्वलोक के ऊपरी भाग में व्यास एक राजु है। ऊर्ध्वलोक के मध्य भाग तक व्यास बढ़ता हुआ 5 राजु होता है। पुनः मध्यलोक तक व्यास घटता हुआ 1 राजु होता है। आगे अधोलोक के अंत तक व्यास बढ़ता हुआ 7 राजु होता है। दक्षिण उत्तर अपेक्षा से लोक का प्रमाण सर्वत्र 7 राजु ही है। इस प्रकार संपूर्ण लोक 343 घन राजु है। दक्षिण उत्तर लोक का प्रमाण जहां 7 राजु है, उसके ठीक मध्य भाग में त्रसनाड़ी है। त्रसनाड़ी की लंबाई 1 राजु, चौड़ाई 1 राजु और ऊंचाई कुछ कम 13 राजु प्रमाण है। इसी त्रसनाड़ी में स्वर्ग, मध्यलोक नरक की रचना है। त्रसनाड़ी में एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीव रहते हैं और त्रसनाड़ी के बाहर शेष लोकाकाश में मात्र एकेंद्रिय जीव ही रहते हैं। अधोलोक के अंत में एक राजु ऊंचा तलभाग है जहां मात्र एकेंद्रिय जीव रहते हैं। वातवलय, जिस प्रकार वृक्ष छाल से वेष्टित रहता है, उसी प्रकार लोक 3 वातावलयों से वेष्टित है। घेरे हुए होने से वलय और वायु के है, अतः वात इस कारण वातवलय कहलाते हैं। उन वातावलयों के नाम इस प्रकार है। पहला घनोदधि वातावलय, दूसरा घन वातावलय और तीसरा तनु वातावलय। घनोदधि वातावलय गाय के मूत्र सदृश वर्ण वाला है। घन वातावलय मूंग के सदृश वर्ण वाला है। और तनुवातवलय अनेक वर्ण वाला है।
लोक एवं आठों पृथ्वियों को। प्रथम घनोदधि वातवलय, पश्चात घन वातवलय, उसके पश्चात तनुवात वलय ने क्रम से वेष्टित किया है। लोक घनोदधि वातवलय के आधार से है, घनोदधि वातवलय घनवातवलय के आधार से है, घनवातवलय तनुवातवलय के आधार से है और तनुवातवलय आकाश के आधार से है तथा आकाश स्वयं अपने आधार से है। तीनों वातवलयों की लंबाई लोक के आकार अनुसार है, अर्थात पूर्व पश्चिम अपेक्षा से लंबाई घटती बढ़ती हुई है और दक्षिण उत्तर की अपेक्षा से चौड़ाई सर्वत्र समान ही है। जय जिनेंद्र। दान धर्म की महिमा से धर्म प्रभावना हो रही है, प्रभु महावीर की वाणी घर घर पहुंच रही है। सब दानों में श्रेष्ठ है ज्ञान दान, ज्ञान से दूर होगा समाज का ज्ञान। दान करो ज्ञान दान करो, सबका कल्याण करो।